अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 27,713 शिक्षक भर्ती, खुशखबरी खुशखबरी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है, कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, किन किन छात्रों को आवेदन का मौका मिलेगा, क्या बीएड छात्र आवेदन कर पाएंगे, 51,112 पदों का क्या हुआ, शिक्षा मित्र को भारांक मिलेगा। देखिए, जब भी कोई भर्ती आती है तो उसमें आपको किस तरह तैयारी करनी है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारी जो लास्ट शिक्षक भर्ती थी उसका नाम था 69,000 शिक्षक भर्ती, और इसका मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, ठीक है ना। तो पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। आपके मन में एक और सवाल होगा कि क्या दोस्तों जो ये वैकेंसी की बात हो रही, क्या ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा, कानूनी बाधा ना हो तो भर्ती कराने का निर्णय 2 माह में ले लीजिए, ठीक है। शिक्षक के 27,713 पदों पर भर्ती को उठाए कदम। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत 27,713 पदों के संबंध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा ATRE कराने के लिए तत्काल कदम उठाए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो तो ठीक है, ATRE कराने के निर्णय 2 माह में ले लिया जाए। न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र ठीक है सीमा संबंधी लाभ देने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट में इन बच्चों को फायदा मिलेगा। एक और सवाल आपके मन में होगा कि क्या वही बच्चे आवेदन कर पाएंगे कि नए बच्चों को भी मौका मिलेगा। न्यायालय ने आदेश दिया है कि ATRE कराने में कोई बाधा हो तो इस संबंध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि ये परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार और अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों ठीक है पर साथ में सुनवाई कर पारित किया है। ये अपीलें एकल पीठ में वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें 21 मई 2018 का शासनादेश निरस्त कर एकल पीठ ने ATRE 2018 के न्यूनतम मार्क्स को सामान्य आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 40 या 45-40 बरकरार रखने का आदेश दिया था। ये दोस्तों परसेंटेज में था। 21 मई 2018 को शासनादेश के तहत न्यूनतम मार्क्स को क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया था, ठीक है। अपीलार्थी का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद ATRE 2018 में 41,556 अभ्यर्थी सफल हो सके, लेकिन बचे हुए 27,713 पदों के लिए इसके बाद ATRE नहीं कराया गया। राज्य सरकार परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरी ATRE नहीं कराई जा सकी, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। एक बात ध्यान रखिएगा, आप किसी कोचिंग के कोर्स में नहीं फंसना है, ठीक है। और तैयारी कैसे करनी, सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा, आपके मन में एक सवाल होगा। देखिए अभी आप लोग ने BPSC में कोर्स खरीदा होगा, TRE 1, ठीक है, किसी ने 2, किसी ने 3। तो कोचिंग से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो एक बात का ध्यान रखिए, क्या जिस नोट्स को कोचिंग ने बनवाया क्या उसमें इतने क्वेश्चन फंस गए कि आप क्वालिफाइंग नंबर पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है ना। होता क्या है कि कुछ बच्चे सिर्फ कोचिंग के भरोसे होते हैं और वो लगभग लगभग 90% फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप अलग से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कुछ और तैयारी नहीं करेंगे, तो ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि जो बैच आप लेते हैं वही बैच लाखों बच्चे खरीदते हैं। तो आप जब तक सबसे कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक आपको फायदा नहीं मिलेगा। अभी देखिए, सरकार ने जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो वहाँ पर सरकार ने क्लियर किया था कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं, जहाँ हम शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने की बात कर रहे थे, ठीक है। अब शिक्षा मित्रों को भारांक कितने नंबर मिल सकता है, 25,000। ये लास्ट भर्ती तक था, हो सकता है कि अब और ज़्यादा भारांक कर दिया जाए, क्योंकि एक नियम रख दिए थे कि जिनका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा भारांक। तो ये भारांक दोस्तों 25 से बढ़कर हो सकता है कि ठीक है, लगभग 5 से 6 साल से वैकेंसी नहीं है, तो हो सकता है कि 25 से बढ़कर ये 30 या 35 किया जा सकता है, ठीक है। भारांक बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आवेदन के लिए क्या होगी योग्यता, तो देखिए दोस्तों मिनिमम योग्यता आपकी DLED या BTC का कोर्स रहने वाला है, और उसके साथ साथ आपका TET क्लियर होना चाहिए। एक और सवाल आपके मन में, क्या वैकेंसी से पहले
हमें यूपी टेट का पेपर देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली यस। जी हाँ दोस्तों, अब यूपी टेट का भी एग्जाम बहुत ही जल्द हो सकता है, उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। अगर आपका सी टेट क्वालिफाई है तो यूपी टेट की तैयारी से बेहतर होगा आप सुपर टेट की तैयारी में लग जाए। सुपर टेट की पासिंग नंबर क्या होती है, आवेदन से लेकर नियुक्ति तक का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। बैक पेपर छात्र या फेल छात्रों को कैसे मिलेगा मौका, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, ठीक है ना। देखिए अभी कोई बच्चा अगर डीएलएड कर रहा है, चाहे वो बच्चा डीएलएड 2019 बैच का है, 2021 बैच का है, 2022 बैच का है, फिलहाल अभी 21 बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहां तक के बच्चों को मौका मिलेगा। 2017 बैच, 2018 बैच और बीटीसी 2017 से पहले बीटीसी 2015 बैच। देखिए सबसे ज्यादा बच्चे कहां पर मिलेंगे, 2017, 18 और 19, इन तीन बैच में बच्चे ज्यादा थे। 21 बैच से बच्चे कम हो गए क्योंकि 2020 में कोविड आ गया, ठीक है, और उसी समय बीएड छात्रों को प्राथमिक में मौका मिल गया। तो तैयारी पूरी रखनी है। एक बात और, रिजल्ट कैसे आया था इसको भी जरा देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया था, यहाँ पर डीएलएड के मात्र 38,000 बच्चे पास हुए थे, शिक्षा मित्र 8,000 थे, बीएड छात्रों की संख्या 97,368 थी, ठीक है। तो इसमें एक बात क्लियर समझ लीजिए, जितने भी शिक्षा मित्र पास होते हैं उनकी नौकरी लगना कन्फर्म होती है। वो क्यों होती है ये भी आपको समझना चाहिए। हम करें अगर आप एक शिक्षा मित्र है तो आपकी नौकरी क्यों लग जाएगी, क्योंकि आपको 25 अंक का भारांक मिलता है। अब भारांक कैसे कैलकुलेट होता है जरा समझते हैं, ठीक है। मेरिट बनाने का पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, नहीं तो बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरफ नॉर्मल बच्चे होंगे, एक तरफ दोस्त वो बच्चे होंगे जिनको भारांक मिलेगा, ठीक है ना। तो भारांक में शिक्षा मित्र ये सभी लोग सम्मिलित होंगे। अब मान लीजिए नॉर्मल बच्चे का दोस्त, यहाँ पर देखिए हाई स्कूल लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हाई स्कूल, मान लीजिए नॉर्मल बच्चे का हाई स्कूल में 80% है, तो जितने भी परसेंट आएंगे आपको उसको क्या करना रहेगा, 10 से भाग करना रहेगा, ठीक है। उसको 10 से भाग कर देंगे तो 8 नंबर हो गए। मान लीजिए शिक्षा मित्र के भैया हाई स्कूल में 50% थे, आप इसको अगर 10 से भाग करेंगे तो इनके 5 नंबर होंगे, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं नॉर्मल बच्चा आगे चल रहा है, 12वीं क्लास आती है 10th के बाद, 12वीं मान लीजिए भैया इन बच्चों के नंबर 90 पहुंच गए, ठीक है, मान लेते हैं नॉर्मल बच्चे के, इसको 10 से भाग करेंगे या 9 नंबर आ जाएगा। शिक्षा मित्र जो थे वो 12वीं में दोस्तों मान लीजिए इनके नंबर 60% थे, ठीक है, इसको 10 से भाग करेंगे तो इनका 6 नंबर आएगा। अब दोस्तों बात आती है ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में नॉर्मल बच्चे के मान लेते 70% थे, जो कि कम ही रहता है, मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर 7 नंबर आ जाएगा। अब मान लीजिए नॉर्मल बच्चे का जो शिक्षा मित्र रहेंगे इनके ग्रेजुएशन में 85% था, तो इसको भी 200 जब 10 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 नंबर। अब बात आती है डीएलएड करने की, अब डीएलएड में दोस्तों नॉर्मल बच्चे के नंबर आ सकते हैं मान लीजिए 90%, ठीक है, इसको 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 नंबर। अब इनके डीएलएड या जो भी है इनमें भी मान लेते हैं इनके 60% से कम से कम ले रहे हैं, तो इनका आ गया 6 नंबर। अब जरा टोटल कर लीजिए, पहले ये 240 नंबर में मेरिट बने, 40 में कितने आ रहे हैं, 9, 8, 17, ठीक है ना, 17 और 7 दोस्तों कितना हो गया, 24, ठीक है, और 24 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33, इनके 33 नंबर आ रहे हैं नॉर्मल बच्चे के, जो कि नॉर्मल बच्चे के अमूमन मान लीजिए एवरेज आता है 28 से लेके 31 तक, ठीक है, मैक्सिमम चले 33 आ रहे हैं। अब चलिए शिक्षा मित्रों को देखते हैं कितने आ रहे हैं, 5, 6, 5, 11, 11, 5 कितना हो गया, 16 और 6, 22, इनके दोस्तों 22 नंबर आ रहे हैं कितने में से, 40 में से। अभी आपको लग रहा होगा भैया नॉर्मल बच्चा तो बहुत तेज आगे चला, 33 नंबर कहाँ ये 22, आप देखिए दोस्तों जो आप एक नॉर्मल कैंडिडेट होंगे उनको 0 अंक का भारांक मिलेगा, आपको कोई फायदा नहीं, आपका 33 रहेंगे, लेकिन शिक्षा मित्रों को 22 में अब 25 अंक फ्री में मिलेगा। अब जोड़िए 5, 2, 7, 2, 2, 4, अब देखिए 40 में से ये 47 नंबर पहुंच गए, ठीक है, अब सुपर टेट का उसके बाद नंबर जुड़ जाएगा। आप देख लिए आपसे कितने नंबर आगे होंगे बताइए, 14 नंबर, जो कि एक टॉपर बच्चे की अब नंबर ये बता रहे हैं हाई स्कूल समय, ये एवरेज से भी ज़्यादा है, तो उनको आप बीट नहीं कर सकते, उनको आप पीछे नहीं कर सकते, अगर वो पास हो गए तो उनकी नौकरी कन्फर्म है, ठीक है। सुपर टेट का दोस्तों पेपर 150 अंकों का होता है और सुपर टेट से 60% की मेरिट बनती थी लास्ट वैकेंसी तक। मान लीजिए आप 150 में से 120 नंबर पाते हैं, जितने नंबर पाएंगे गुणे 60 करेंगे भाग 150, 1 0 से 0 कटा 15 चौके 60, 12 चौके 48, ये बेस्ट नंबर बता रहे हैं। और शिक्षा मित्र भैया 100 नंबर पाता, मान लीजिए 100 गुणे 60 बटे 150, 1 0 से 0 कटा 15 चौके 60, ये 40,
ठीक है, अब जरा देख लीजिए, हम टॉपर और नॉर्मल नॉर्मल बच्चे की बात करें, इनका 33 था, ये अच्छे नंबर लाके 120 नंबर लाके 150 में थे, इनके नंबर बन गए 48, इसको जोड़ लीजिए, 8 3 11, ठीक है, 4 3 7 1 8। अब मान लीजिए शिक्षा मित्र के कितने थे, 100 नंबर, तो 47 और 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इनके 100 नंबर थे 150 में थे। अब 100 नंबर क्यों होने चाहिए आपको बता दें, सुपर टेट में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी में 100 150 में थे 97 पासिंग मार्क होता है। आरक्षित वर्ग हमारा ओबीसी एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप के बच्चों के लिए पास होने के लिए 100 में से मिनिमम 90 नंबर, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी के कोई शिक्षा मित्र है तो भैया उनको 97 तो चाहिए ना, तो उस हिसाब से ले रहे, ये जोड़ दीजिए 7 4 4 8 87। आप देख सकते हैं आप ज़्यादा नंबर लाकर भी पीछे रहेंगे, ये कम नंबर भी लाकर आपसे आगे रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है भारांक का क्राइटेरिया, और इस बार ये और भी बढ़ सकता है क्योंकि एज और ज़्यादा हो गई है, उसके हिसाब से उनको एक्सपीरियंस बढ़ा है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर छूट बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ जानना जरूरी है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गलती आप लोग से यही होती है, बहुत सी बातें आप जानते नहीं हैं, फिर आपको परेशान होना पड़ता है। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। आवेदन को लेकर, मेरिट को लेकर सब कुछ हम बताते रहेंगे, ठीक है, वैकेंसी आ रही नहीं आ रही। और देखिए, कोचिंग की क्लास लेने से अच्छा है कम से कम आप 3 बुक लीजिए, 3 बुक आप लीजिए और कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करिए, ठीक है। किसी भी एक किताब से क्वेश्चन पेपर नहीं फंसने वाला, ये आपका DLED का एग्जाम नहीं है कि आप जाए गए घर से भैया सीरीज खरीद के ले आए और पास हो गए, इतना ईजी नहीं होने वाला। और दोस्तों, पेपर आउट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कितना आजकल पेपर रद्द हो जाता है, कहीं जुगाड़ के भरोसे पढ़ेंगे तो आपका 10 से 15 लाख रुपए जो भी आपका मतलब 20 लाख 30 लाख सब चला जाएगा, कुछ फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सोशल मीडिया की अफवाह से आपको बच के रहना है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती रहती है कि ऐसे वैसे, और जुगाड़ वालों से स्पेशली दलालों से बच के रहिएगा, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान करा सकते हैं। अब सभी बच्चे तैयारी में लगेंगे एक उम्मीद के साथ कि आने वाले टाइम में वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए, एक बात याद रखिए, अंतिम फैसला हमारी सरकार का ही होगा, ठीक है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक आपकी वैकेंसी नहीं आ सकती है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।